हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास सिक्स में अपना चैप्टर सिक्स शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है हचिको अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ लॉयल डॉग। हचिको डॉग का नाम है, उसकी वफादारी की सच्ची कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए उसके पहले ये छुक छुक पढ़ ले। डॉग्स आर ऑफन स्पोकन ऑफ एज बीइंग मैन्स बेस्ट फ्रेंड। डॉग्स को इंसानों का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? आप इससे समर्थन रखते हैं या नहीं? आप मानते हैं इस बात को या नहीं? अगर आप मानते हैं तो क्यों मानते हैं, नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं, रीजन बताइए। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। इन नवंबर 1923 अ स्मॉल पपी वॉज बॉर्न इन अ बैर्न इन ओडाटा जापान। नवंबर की बात है 1923 की, जब एक स्मॉल पपी का जन्म हुआ था बैर्न में, ओडाटा जगह पे जो जापान में है। द पपी बिलोंग टू एकीटा ब्रीड ऑफ पावरफुल मीडियम साइज डॉग दैट ओरिजिनेटेड इन द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ जापान। ये जो पपी था वो एकीटा ब्रीड का था। बहुत सारे ब्रीड होते हैं डॉग के, उसमें ये एकीटा ब्रीड का था, जो कि बहुत पावरफुल और ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, मीडियम साइज का ये डॉग था, जो कहाँ पाया जाता है, जापान के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इन दिसंबर 1924 मेस चियो माटसू, हु हैड स्टडीड एट द इम्पीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, गिफ्टेड द पपी टू इनियो हिडेसाबुरो, हिज फॉर्मर प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। 1924 में मेस ने यूनियो अपने प्रोफेसर को इम्पीरियल यूनिवर्सिटी टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, वहाँ पे अपने टीचर को गिफ्ट किया था ये पपी। यूनो नेम्ड द पपी हचिको, हैची फॉर शॉर्ट, हैची उसको प्यार से बुलाते थे। पूरा नाम उस पपी का क्या रखा था प्रोफेसर ने? हचिको। इनिशियली द पपी वॉज वेरी वीक एंड डेलीकेट, बट यूनियो एंड हिज वाइफ येको लुक्ड आफ्टर हिम वेरी वेल। मगर प्रोफेसर और उनकी वाइफ ने पपी की बहुत अच्छे से देखभाल की थी, क्योंकि पपी शुरुआत में बहुत ही नाजुक और बहुत ही कमजोर लग रहा था। विद इन सिक्स मंथ्स हचिको's हेल्थ इम्प्रूव्ड एंड ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक्स विद प्रोफेसर यूनियो। 6 महीने में ही हचिको बहुत ही हेल्दी हो गया था और वो प्रोफेसर के साथ वॉक पे जाने के लायक भी हो गया था। यूनियो टुक स्पेशल केयर ऑफ हचिको, कैटरिंग टू हिज एवरी नीड। यूनियो जो थे वो हचिको का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे। ही ब्रश्ड हिज थिक कोट डेली, उसे रोज वो कॉम्ब किया करते थे उसके हेयर को, उसके फर को, एंड फीड हिम न्यूट्रिशियस मील्स ऑफ राइस विथ ब्रोथ मिल्क एंड लिवर ट्रीट्स, और जो भी उसके लिए पोषक आहार था वो उसको खिलाया करते थे, दूध, फ्लैश, जो लिवर था, और सूप भी उसको दिया करते थे। द लिटिल डॉग एडोर्ड हिज मास्टर एंड दे फॉर्म्ड एन इनक्रेडिबल अनसेकेबल बॉन्ड दैट वुड गो ऑन फॉर एवर। कुछ ही दिनों में उन दोनों के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध बन गया था, जो कभी टूटता नहीं और जो हमेशा हमेशा के लिए उन दोनों के बीच चलता रहता। एवरी मॉर्निंग व्हेन प्रोफेसर यूनियो वेंट टू वर्क, हचिको वुड अकंपनी हिम टू द सिबुया स्टेशन वेयर द प्रोफेसर वुड कैच अ ट्रेन टू द यूनिवर्सिटी। हर सुबह प्रोफेसर जब अपने काम पे जाते थे यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तब हचिको उनके साथ रेलवे स्टेशन उनको छोड़ने जाया करता था। After his master boarded the train, Hachiko would leave the station. जब प्रोफेसर ट्रेन में चढ़ जाते थे तो हचिको स्टेशन से वापस घर आ जाता था। But no matter what, Hachiko would return to the station to greet his beloved master at the end of each day. मगर कुछ भी हो जाए, हचिको जो था वो शाम के समय फिर उसी स्टेशन पे अपने मास्टर को रिसीव करने के लिए हर दिन आया करता था। दिस रूटीन कंटिन्यूड फॉर मंथ्स एंड द लव बिटवीन द मास्टर एंड डॉग वॉज अनवेवरिंग एंड कम्फर्टिंग टू बोथ। ये तो अब रोज का रूटीन बन गया था, दिनचर्या बन गई थी, सुबह में मास्टर को स्टेशन छोड़ने जाना और शाम में जब वो स्टेशन से लौटेंगे तो उनको रिसीव करना। ऐसे करने से दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्डिंग बन गया था।
On May 21, 1925, Hachiko watched his friend Professor Yunio board the train as usual. बात है 21 मई 1925 की. हचिको ने अपने प्रोफेसर फ्रेंड को ट्रेन पे चढ़ते हुए देखा जैसे कि वो रोज देखा करता था. बट सैडली दैट डे एज ही वॉज लेक्चरिंग हिज स्टूडेंट्स द 53-year-old प्रोफेसर सफर्ड अ स्ट्रोक एंड ही डाइड. पर अचानक से क्या हुआ, जब वो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे तो उन्हें हार्ट अटैक आया और वो मर गए. वो 53 इयर्स के थे. देयरफॉर दैट इवनिंग व्हेन हचिको वेटेड एट द स्टेशन हिज मास्टर डिड नॉट अपीयर एज यूजुअल. इसीलिए शाम में जब हचिको अपने मास्टर को रिसीव करने गया स्टेशन पे, वो वहां पे नहीं थे. हचिको डिड नॉट नो दैट ही वुड नेवर सी हिज बिलव्ड मास्टर एवर अगेन. हचिको को तो ये पता ही नहीं था कि वो अपने प्यारे मास्टर को अब दोबारा कभी नहीं देखेगा, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं. आफ्टर प्रोफेसर यूनियोज डेथ हिज वाइफ येको मूव टू अ स्मॉलर हाउस. प्रोफेसर ट्रेक के डेथ के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं होगा, तो उनकी वाइफ एक छोटे से मकान में शिफ्ट हो गई. शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप अ लार्ज डॉग लाइक हचिको, सो शी सेंट हिम टू लिव विद हर रिलेटिव हु लिव्ड इन असाकुसा इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ टोक्यो. अब उस डॉग को का भी पालन पोषण बहुत ही महंगा पड़ रहा था प्रोफेसर की वाइफ को, इसीलिए प्रोफेसर की वाइफ ने उसे अपने एक रिलेटिव के पास असाकुसा नाम के जगह पे भेज दिया, जो टोक्यो के ईस्ट साइड में पड़ता है. दो हिज न्यू होम वॉज क्वाइट फार अवे फ्रॉम हिज ओल्ड प्लेस इन सिब्यू या हचिको वुड फ्रीक्वेंटली रन बैक टू हिज फॉर्मल हाउस इन सिब्यूया, जहां हचिको पहले रहा करता था और जहां अब रह रहा है. असाकुसा में अब वो हचिको रह रहा था. ये जगह सिब्यूया से बहुत दूर है जहां इसके मास्टर के साथ ये रहता था. फिर भी करीब करीब बहुत फ्रीक्वेंटली अक्सर हचिको असाकुसा से सिब्यूया आ जाया करता था अपने पुराने घर अपने मास्टर को खोजते हुए. कहानी बहुत दर्द भरी है. आगे इस कहानी में हचिको को क्या मिलता है, मास्टर के डेथ के बाद क्या होता है हचिको के साथ, हम लोग आगे कहानी में देखेंगे. आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि वीडियो कैसा लगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेगुलर वीडियोस रेगुलर स्टोरीज पाने के लिए. बाय स्टूडेंट्स.